चुका हूँ एयरपोर्ट के अंदर, अजरक ओढ़ लिया है मैंने और जा रहा हूँ यहाँ से बहुत दूर, जहाँ मेरे ख्याल में आज तक कोई पाकिस्तानी ब्लॉगर तो नहीं गया है। तो ईशान भाई, ये बताएं कि यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी रह रही है इधर? Yes. How many people live there? How about many families? Maybe I would say like 25-30 families. टैक्सी ड्राइवर ने मुझे डरा दिया कि यहाँ मूस अटैक होते हैं, जो बारह सिंगा जिसको कहते हैं, उसके अटैक ज़्यादा होते हैं। एक और व्लॉग में खुश आमदीद। इस वक्त शदीद गर्मी थी, सामान मेरे पास बहुत ज़्यादा था, मतलब एक पूरा बैग भराया और ट्रिप पे निकल चुका हूँ। अभी जा रहा हूँ ह्यूस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 3 बजे की फ़्लाइट है और 3 बजे के बाद फिर 6.5-7 घंटे की और जर्नी है। दुआ में याद रखें और मैं आपको सारी डिटेल फिर जो है ना एयरपोर्ट पर बताऊँगा कि कहाँ जा रहा हूँ और क्या ड्रीम जर्नी है, तो ये हम शेयर करेंगे एयरपोर्ट पर। मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट के अंदर, अजरक ओढ़ लिया है मैंने और जा रहा हूँ यहाँ से बहुत दूर, जहाँ मेरे ख़्याल में आज तक कोई पाकिस्तानी ब्लॉगर तो नहीं गया है, तो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। और अब अकेला मैं वहाँ जा रहा हूँ और ये है नॉर्थ पोल। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ट्रिप है ना, ये मेरा स्पॉन्सर ट्रिप है। और किसने स्पॉन्सर किया है सुन लें। इस ड्रीम जर्नी को स्पॉन्सर किया है visitamerica.com ने। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो जो सवाल आप मुझसे बराह रास्त पूछते हैं कि अमेरिका कैसे आ सकते हैं, क्या तरीके कार है, इमिग्रेशन किस तरह से होती है, तो सारे सवालों के जवाब इनकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। और मैं इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां से आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। visitamerica.com एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फर्म है, जहाँ उनकी टीम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहती है। आप उनसे उनकी वेबसाइट www.visitamerica.com पर भी रابطہ कर सकते हैं और अपने सवालात के जवाब हासिल कर सकते हैं। यहाँ से फ़्लाइट है तकरीबन 7 घंटे की और 3 घंटे का टाइम डिफरेंस आ रहा है, तो कोशिश मेरी यही है कि मैंने अच्छे तरीके से सफ़र करना है। ये आप देख रहे हो सिंध की सकाफत, पाकिस्तान की पहचान, हर सूबे का अलग अलग कलर है। तो आज मैं ये ओढ़ के यहाँ से जा रहा हूँ और ह्यूस्टन एयरपोर्ट से, अब ह्यूस्टन एयरपोर्ट कई दफ़ा आपको दिखा चुका हूँ और टर्मिनल सी है, बहुत अच्छा टर्मिनल है, साफ़ सुथरा, और इस जगह पे ज़्यादा रश होती है। यहाँ से यूनाइटेड की जो है ना इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी जाती हैं। तो मेरा गेट ये है और मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा, 3 बजे की फ़्लाइट है। तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं भाई आज तो मैं जा रहा हूँ अभी ग्रुप 2 लाइन पे लग चुका है और मेरा है ग्रुप 3। बहुत ज़्यादा रश है भाई, पूरी फ्लाइट फुल है और कुछ इंडिया से भी लोग नज़र आ रहे हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन वो व्लॉगर नहीं है। बोर्डिंग हो रही है तो अंदर जा रहे हैं, देखते हैं एयरक्राफ्ट कैसा है। बहुत बड़ा तो नहीं लग रहा, लेकिन रश, लोगों का रश बहुत है, मतलब कि क्योंकि एनकरेज जो लोग आते हैं ना घूमने के, वो सीज़न यही है। अभी आप देख रहे हैं मैं तो सीट पे बैठ चुका हूँ और विंडो सीट मिली है, लेग स्पेस अच्छा है। आज भी हसबे मामूल जो है ना फ़्लाइट थोड़ी सी डिले है, लेकिन अब स्टार्ट हो रही है और अब मेरे ख्याल में हम रवाना होने वाले हैं।
सात घंटे की जर्नी जो है ह्यूस्टन से की थी वो अब जाके ख़त्म हुई है। यहाँ खैर खैरियत से लैंडिंग हो चुकी है। अभी बाहर जाऊँगा और आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में। मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ आना हुआ है और जिस तरह के मनाजिर मैंने ऊपर से देखे हैं ना, क्या बात है यार, बहुत ज़बरदस्त नज़ारे थे। इतना लश ग्रीन और बर्फानी पहाड़ जो है ना, बर्फ़ से ढके हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त यार। बहुत लोग हेल्पफुल थे। हेलो, तो मेरा बैग जो है बहुत पीछे था, इन्होंने मुझे उठा के दे दिया क्योंकि वरना मैं बहुत पीछे रह जाता। अभी एयरपोर्ट पे उतरा हूँ और आपको चल के बाहर दिखाता हूँ। आज देखें ना कितना रश है, इतने ज़्यादा लोग आए हुए हैं, हर तरफ लाइट्स रेडी हैं, टेक ऑफ और लैंडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। अब बाहर पता नहीं खाना मिलेगा हलाल या नहीं। सुबह से भाई नाश्ता करके निकले थे, वो भी अधूरा, और अब जाके पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ये तो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, मेरे ख्याल में रिचमंड तो कैपिटल है वर्जीनिया का, उससे भी बहुत बड़ा है और पुराना। आप देखें ये जहाज़ इधर उन्होंने रखा है और बड़े बड़े सींगों वाले हरन। तो एयरपोर्ट तो बहुत ज़बरदस्त है। मछली यहाँ फिशिंग पे बहुत ज़्यादा जो है ना इन्हसार है यहाँ की मीशत की, तो इसलिए मछली यहाँ की भाई समझो इकोनॉमी यहाँ की है ही मछली पे। यार ज़बरदस्त नज़ारे नज़र आए आज, तो मेरा दिल खुश हो गया एंकरेज में उतरते हुए। और बड़ा कलरफुल ग्रीन, आपको बताऊं कि ऐसा एयरपोर्ट, मतलब कि यार जो गर्मी ह्यूस्टन की थी ना वो सारे दुख यहाँ में भूल गया। और जैसे ही तैयारा नीचे उतरने लगा तो दरिया नज़र आए, फिर ग्रीनरी, और उसके बाद पहाड़ जो ना स्नो कवर्ड जिसको कहें, मतलब के बर्फ़ से ढांपे हुए पहाड़ वो नज़र आए। इतना हसीन नज़ारा, दिल खुश हो गया। और अभी मैं भूल गया था कि मुझे जाना बाहर था और मैं गेट की तरफ चला गया। और एक ही यहाँ दो इंडियन रेस्टोरेंट हैं, उनमें से एक अभी खुला हुआ है, वहाँ मुझे जाना है, खाना खाऊँगा। बाहर और नज़ारा देखें यार, मैं सोच रहा था वाह यार क्या कमाल का भी है यार। आज का जो दिन है ये पूरी दुनिया के अंदर तवील तरीन दिन है, और रोशनी सबसे ज़्यादा रोशनी आज के दिन है, और उसके बाद फिर दिन घटते जाएंगे और फिर रातें लंबी होंगी और दिन छोटे होंगे। लेकिन जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ भाई 6 महीने सूरज ग्रुप होता ही नहीं है, और होता भी है तो चंद मिनटों के लिए। और आपको मैं सारी रात का नज़ारा भी दिखाऊंगा, यहाँ किस तरह से लोग मैनेज करते हैं लाइफ, ये भी आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है इस अलास्का के खूबसूरत वादियों में, अलास्का जैसे खूबसूरत रियासत में। और जिस जगह पे मैं हूँ बिल्कुल अमेरिका से बहुत दूर है, लेकिन अमेरिका इसको भी संभाल रहा है, और ये रशिया का हिस्सा था पहले। किस्मती से एक ही इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ और खुला हुआ, आप देखते हैं। हेलो, इस रेस्टोरेंट पे अभी पहुँचा हूँ। बाहर का मौसम तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन भूख भी बहुत लगी है, तो मैं पहले खाना देख लूँ। ये मेन्यू है इनका, कुछ है खाने में? Huh? Everything, whatever you like. सब्जी में तड़का दाल है, वेरी गुड। अच्छा मुझे ना एक तो यहीं खाना है और दूसरा हाँ, टुगो देना है, कल मैं लेके जाऊंगा। ठीक, यू जस्ट चूज एंड आई विल कम बैक। अच्छा ओके, पानी में तो नो आइस? नो। तो बहुत अच्छा यार, यहाँ तक खाने का भी थोड़ा खाना महंगा है लेकिन ठीक है।
पिशावरी नान भी हैं, बड़ी बात है पिशावरी, ये देख रहे हो पिशावरी नान, आलू पराठा, चाय भी है। अब यही खाना अगर मैं ह्यूस्टन में खाता तो ये मुझे 12, 13, 14 डॉलर में पड़ता, लेकिन यहाँ थोड़ा महंगा है। खाना वगैरह मैंने खा लिया है और अब टैक्सी का वेट कर रहा हूँ। ये रेस्टोरेंट जो है ना टेस्ट ऑफ इंडिया, लेकिन ये है बंगालियों का, और बंगाली भाई एक मिला बहुत अच्छे तरीके से। खाना महंगा है, उसकी वजह ये है कि यहाँ टैक्स नहीं है, तो टैक्स ना होने की वजह से ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेते हैं। और बहुत अच्छा खाना वगैरह था, और कुछ मैंने पार्सल ले लिया है यहाँ से, क्योंकि मैं सुबह से खाना खा के निकला था, थोड़ा सा नाश्ता किया था, उसके बाद मैंने खाना नहीं खाया। तो अंदर बड़े इंडियन गाने शाने चल रहे थे, और ये मौसम है आप देख रहे हो, बारिश हल्की हल्की चल रही है। खाना वगैरह खा लिया भाई। क्या आपके नाम क्या है वैसे? ईशान जी। तिशान? ईशान। यस। तो ईशान भाई ये बताएं कि यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी रह रही है इधर? हाउ मेनी पीपल लिव देयर? अबाउट मेबी आई वुड से लाइक 25-30 फैमिलीज। ओनली फ्रॉम पाकिस्तान? फ्रॉम पाकिस्तान। एंड हाउ मेनी इंडियंस? मेबी इंडियन आई वुड से लाइक 30, मेबी 25, एंड देन बांग्लादेशी आई वुड से लाइक 8 और 9 फैमिलीज सम और मोर। हु ओन दिस रेस्टोरेंट? बांग्लादेशी और? आई ओन इट। यू ओन? यू आर ओनर? यस, आई एम द ओनर। अच्छा। यस। तो कैसे चल रहा है? सही है, दिस बिजनेस इज गुड, यू नो द विंटर टाइम इज वेरी गुड, आई मीन समर टाइम यू नो वी गेट लॉट ऑफ टूरिस्ट्स। And the winter time, you know, the local people love the food, you know, the Indian food is popular worldwide. Mm-hmm. So you have only 3 months to do business here. So 3 months we make the most money, mm-hmm. and winter time it's average, so we don't really lose, it's so breakdown even. In winter time you open here? We're open all year long, yes. Okay, that's good. I will come tomorrow and yes, we'll sir. Meet looking up forward to that. And yeah, thank you so much. Bye-bye, guys. Bye. Hello. देखें भाई टैक्सी भागे। सुबह से निकला हुआ हूँ तो अभी ना बात नहीं हो पा रही इस तरह से, और थोड़ा थका हुआ हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँ। देखते हैं, आपको मज़ीद इसके बारे में बताता हूँ, एंकरेज के बारे में। आज तो यहाँ पहुँचा हूँ, अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और एंकरेज बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत शहर है, ग्लेशियर भी नज़र आ रहे हैं, पहाड़ हैं, तो अच्छा लग रहा है यहाँ। ये आप देख रहे हो ना, इसकी खूबसूरती देखें, कितना खूबसूरत शहर है, छोटा सा लेकिन खूबसूरत शहर है। और पहले जैसे एयरपोर्ट पे उतरा तो टैक्सी ड्राइवर ने मुझे डरा दिया कि यहाँ मूस अटैक होते हैं, जो बारह सिंगा जिसको कहते हैं, उसके अटैक ज़्यादा होते हैं। तो उसने कहा भाई बड़े केयरफुली रहना, कहीं पैदल नहीं जाना। लेकिन यहाँ जब मैं आया खाना खाने तो उनसे मैंने पूछा, उस दोस्त ने बताया कि नहीं ये अटैक करते हैं, लेकिन ये करते हैं सर्दियों में, गर्मियों में आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ तो बहुत सारे जानवर नज़र आ जाते हैं अलास्का में, क्योंकि हैं ही जानवर ज़्यादातर, ठंडा एरिया है, मौसम प्यारा है, यहाँ कोई गर्मी नहीं है। अभी होटल पे पहुँचा हूँ, चेक इन कर लूँ, फिर देख आपसे आराम से बात करते हैं।